लॉज ऑफ मोशन। फाइन, यही करना है। डू यू हैव वर्कशीट? सबके पास है? सबके पास है। चलिए बेटा, अगर है सबके पास तो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मुझे, फर्स्ट 4 क्वेश्चन रादर मुझे एक बार करके दिखाइए जल्दी से। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, साथ साथ में हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, बस बेटा आपके डेस्क पे वर्कशीट दिखे और कुछ भी ना हो, ताकि मुझे पता चल सके सबके पास है। बाकी सब सामान अपना बैग में डाल लीजिए, जस्ट आपकी वर्कशीट ऊपर होनी चाहिए। एटलीस्ट एक वर्कशीट एक डेस्क पे हो, ठीक है? अगर सबके पास नहीं भी है तो एक तो हो सबके पास, बाकी सब सामान बैग में। यस, 9 थे गर्ल्स जो फर्स्ट बेंच पे हैं बेटा, 3 गर्ल्स। डू यू हैव द वर्कशीट्स? ओके फाइन, ठीक है। यू कैन टेक वन रफ नोटबुक इफ यू वांट विद यू। तो अभी तो कोई न्यूमेरिकल टाइप है नहीं इसके अंदर, सो वी डोंट नीड इट राइट नाउ। चलिए, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस बेटा जल्दी से करके दिखाइए जरा मुझे। यू डोंट हैव? कौन सा सेक्शन बोल रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स, जिस चीज के पास नहीं है वर्कशीट। अच्छा, वर्कशीट है ही नहीं है। आई थॉट कि आपके पास होगी वर्कशीट। चलो एनी हाउ, वी विल स्टार्ट विद डिस्कसिंग द टॉपिक। चलिए थोड़ा सा ब्रीफली फटाफट एक बार देख लेते हैं सारा कुछ। हमारे पास बेटा फोर्स होता है, ठीक है? फोर्स के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। जो भी आपको चीज इसमें नहीं मिलेगी बेटा, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है? क्योंकि बहुत कॉमन सा टॉपिक है, मुझे नहीं पता आपने क्या डिस्कस कर रखा होगा क्या नहीं। जो भी बट आपको इसमें कुछ नया मिलेगा तो जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है? नाउ फोर्स हमने पढ़ा है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। विच फोर्सेस कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट? कौन से फोर्सेस, विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, आप बेंड हो रहे हो, आपने पेपर को अपनी तरफ पुल किया, नोटबुक को क्लोज किया, एनी एक्शन विच यू आर डूइंग दैट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे अब आपके सामने माइक पड़े हैं ना, दे आर एट रेस्ट। ये कब मूव करेंगे? When they will move. अच्छा ये बताइए, जो माइक आपके पास पड़े हैं ये बैलेंस फोर्सेस के अंडर आ रहे हैं या अनबैलेंस फोर्सेस में आ रहे हैं? दे आर अंडर बैलेंस्ड बिकॉज दे आर नॉट मूविंग। आपके क्लास में फैन चल रहा होगा, आई थिंक चल रहे हैं? इट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद द सेम स्पीड, है ना? अगर आपने रेगुलेटर से उसको 5 पे सेट कर रखा है, 4 पे सेट कर रखा है, तो आपने एक स्पीड प्रोवाइड की हुई है। इट इज मूविंग कॉन्टिन्यूसली विद द सेम स्पीड। अगेन दैट फोर्स इज अ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। यहाँ तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, बट इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, बताइए? इट इज बैलेंस्ड फोर्स, इट इज नॉट अनबैलेंस्ड, इट इज अ बैलेंस्ड फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग विद द सेम स्पीड। या तो वो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पर है, या वो कॉन्टिन्यूसली सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। राइट बच्चा, दो चीजें बोली मैंने, या तो वो रेस्ट पर है, कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पर है, आइदर एट रेस्ट और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग कॉन्टिन्यूसली विद द सेम स्पीड। एक ही स्पीड से मूव कर रहा है, तब भी वो बैलेंस्ड फोर्सेस में आता है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज करेंगे। आप बोलोगे कि मोशन तो अनबैलेंस्ड के कारण होता है, बट आपने उस मोशन को चेक करना है, क्या वो कम ज्यादा हो रहा है, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इट इज रिमेनिंग सेम। अगर वो सेम है तो वो बैलेंस्ड फोर्स की कैटेगरी में है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड है। गेटिंग माई पॉइंट?
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट. इन बैलेंस्ड फोर्सेस नेट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जीरो, एंड इन अनबैलेंस्ड फोर्स नेट फोर्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल नॉट बी जीरो. ये जीरो नहीं होगा. जीरो हुआ तो वो बैलेंस्ड हो जाएगा. अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू आ रही है तो ये क्या होगा? आपका अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. नाउ लुक एट वन एग्जाम्पल. इफ आई हैव अ बॉक्स, ठीक है, वन ऑफ द पर्सन ए इज पुशिंग दिस बॉक्स विद द फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. एंड अनदर पर्सन इज ऑल्सो पुशिंग दिस बॉक्स विद द सेम फोर्स 8 न्यूटन. विल दिस बॉक्स मूव? नो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? नेट फोर्स मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ दीज फोर्सेस. ठीक है, नाउ 8 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन विच इज 0 न्यूटन. इज दैट क्लियर? राइट. एंड इफ द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड, अ बॉक्स इज देयर, अ पर्सन ए इज पुशिंग दिस बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एंड पर्सन बी इज पुशिंग दिस बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ लेट अस से 5 न्यूटन. नाउ व्हाट विल बी द नेट फोर्स? अच्छा, सबसे पहले कही इन विच डायरेक्शन दिस बॉक्स विल मूव. इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द डायरेक्शन ऑफ बी? ए की डायरेक्शन में. सो दिस विल नॉट बी द डायरेक्शन. जिसने हायर फोर्स लगाया उसी की तरफ चला जाएगा. ठीक है, द नेट फोर्स विल बी, आप देखो, इफ यू आर डूइंग 5 माइनस 10 यू विल गेट -5 न्यूटन, एंड इफ यू आर डूइंग 10 माइनस 5 यू विल गेट 5 न्यूटन. सो दैट इज व्हाट आई हैव राइट रिटन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ अनबैलेंस्ड फोर्सेस में कभी भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी. दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस? इट इज ऑलवेज जीरो, इट इज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. समझ आया बेटा? इज दैट क्लियर? चलिए, सो दिस इज द टॉपिक फॉर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. नाउ वी विल मूव टू द, अच्छा, ये लॉज ऑफ मोशन जो है, हु गेव दिस लॉज ऑफ मोशन? हु गेव दिस लॉज ऑफ मोशन? एनीवन? इसका पूरा नाम क्या है? लॉज ऑफ मोशन के आगे आप क्या लगाते हो? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. है ना, ये एक साइंटिस्ट है जिसने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर किया था, जिसने बहुत कुछ डिस्कवर किया था, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, मोशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सही समझ आया? अब इसने हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए न्यूटन्स ने. कौन कौन से? एक फर्स्ट लॉ, फिर सेकेंड लॉ था एंड थर्ड लॉ था. वो कह रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हीं तीनों लॉज को फॉलो करते हुए मूव करते हैं. ठीक है, वन ऑफ दीज लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और एट रेस्ट, हमेशा. इतना समझ आया बेटा सबको? ये मैं रब कर दूं पार्ट, किसी ने कुछ नोट करना है इसमें, सिर्फ बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड में से, तो यू कैन डू. ओके, कर दो रहा? जस्ट रेज योर हैंड्स. चलिए, ओके, लिस्ट देना स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के नेम्स की लिस्ट कहाँ है?
हाँ जी, नाइन्थ है अनुभव, नाइन्थ है अनुभव। हाँ जी बेटा, डू यू नो व्हाट इज इनर्शिया? यस बताओ, यस और नो तो बोल दो कि आपको पता है व्हाट इज इनर्शिया। यस, माइक को थोड़ा हाथ में पकड़ लो बेटा, या तो नहीं, आवाज नहीं आ रही है बेटा बिल्कुल भी आपकी, नहीं नो साउंड, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी थोड़ा सा लगा, बोलो जरा, क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं लग रहा बेटा क्या बोल रहे हो। नो। अच्छा आपको ये पता है इनर्शिया डिपेंड किस पे करते हैं? ऑन विच फैक्टर इनर्शिया डिपेंड्स, किसी को पता है? अच्छा आपने क्लास में चैप्टर कर लिया होगा आई थिंक, जस्ट रेज योर हैंड्स अगर ये चैप्टर क्लास में हो चुका है आपके स्कूल में। हो गया, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए था। यस, नाइन्थ बी, कौन बताएगा ऑन विच फैक्टर इनर्शिया डिपेंड? यस, ये गर्ल जो फर्स्ट डेस्क पे बैठी है अकेली, आ जाओ बेटा। इनर्शिया डिपेंड ऑन फोर्स, व्हेन वी अप्लाई फोर्स इनर्शिया मूव थिंग मूव एंड सम टाइम इट कम इन रेस्ट, सो इफ एनीथिंग इन रेस्ट सो इट इन रेस्ट, इफ एनीथिंग इन मोशन देन इट इज इन मोशन। ओके, गो बैक टू योर सीट बेटा, आई वॉन्ट टू करेक्ट यू अ लिटिल बिट, अदरवाइज ठीक था आपका। अनुभव, यू कैन गो बैक टू योर सीट बेटा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि ऑन विच फैक्टर इनर्शिया डिपेंड। बेसिकली बेटा इनर्शिया डिपेंड करता है ऑन मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। आपने जो मुझे बताया ना इनर्शिया की डेफिनेशन बता दी कि इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे रिलेटेड है, दैट यू हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अगर मैं ये पूछती कि इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या सिमिलैरिटी है, देन योर आंसर विल बी ओके। बट राइट नाउ मैं आपसे पूछ रही थी कि इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। जैसे कि सपोज करो एक साइकिल है एंड अ कार, किसका मास ज्यादा है, विच हैज मोर मास? कार का ऑब्वियसली। तो इनर्शिया भी किसका होगा ज्यादा, कार का। बट अभी क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा है कि मैम इनर्शिया इनर्शिया करते जा रहे, हो क्या रहा है, ये होता क्या है ये इनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बाद में आएंगे, पहले इनर्शिया समझते हैं। देखो हर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या स्टॉप करने के लिए यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, लगाना पड़ेगा, रोकने के लिए लगाना पड़ता है या नहीं, या सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए लगाना पड़ता है? वी नीड टू अप्लाई द फोर्स व्हेन वी हैव टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, एट दैट टाइम आल्सो वी नीड टू अप्लाई द फोर्स। मानते हो इस चीज को, समझ रहे हो इस चीज को, किस किस को, कौन कौन एग्री करता है कि रोकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है? अच्छा बाकी जो एग्री नहीं कर रहे हैं, आप ये सोचो आप बहुत तेज भाग रहे हो, कभी ना कभी तो भागते हो, जस्ट है ना, कभी के ना कभी भागते हो, जोर से भी भागते होगे। तो जब भागते भागते अचानक से आपको रुकना पड़े, यू आर इन मोशन एट द टाइम ऑफ रनिंग एंड यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ सडनली, देन व्हाट विल यू डू? आप अपनी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे या नहीं लगाओगे रुकने के लिए, बताइए? आप अपने पैरों से ग्राउंड के ऊपर फोर्स लगाओगे या नहीं लगाओगे, ये बताइए? फोर्स लगाए बिना तो नहीं रोक पाओगे ना। आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तेज साइकिल चला रहे हो, स्लो चला रहे हो, कैसे भी, वो साइकिल क्या है, मोशन में है। एंड व्हेन यू नीड टू स्टॉप दैट साइकिल, यू विल अप्लाई द ब्रेक्स। लगा रहे हो ब्रेक, लगाने में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करने के लिए भी हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ता है
जितना आपको ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए लगाना पड़ता है। ठीक है, वन थिंग मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि दोनों केसेस में फोर्सेस लगते हैं, राइट बच्चे? नाउ वी विल कम टू इनर्शिया। इनर्शिया इज बेसिकली अ फोर्स। है ये फोर्स, हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और लाइटर ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो, अगर आपने एक छोटे बच्चे को गोदी में लेना हो तो यू नीड टू अप्लाई लेस फोर्स। कोई भी हल्की चीज उठानी हो तो आप कम फोर्स से उठा लोगे, और कोई हैवी उठानी हो तो क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। एम आई राइट? ठीक है, यही क्या है बेटा। देखो अब ये क्या है, इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है बेसिकली। क्या है इनर्शिया? एक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की कि उसके ऊपर कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो अपने आप से मूव नहीं करता। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, आप फैन को भी अपने आप से ऑफ थोड़े करोगे, आप स्विच ऑफ करोगे। जो उसके ब्लेड्स को मूव करने के लिए फोर्स लग रहा था वो फोर्स लगना बंद हो जाएगा एंड जो फैन है वो स्टॉप हो जाएगा। समझ आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि ना तो वो अपने आप, नीदर इट विल मूव इट सेल्फ, ना तो वो मूव कर सकते हैं, नीदर द ऑब्जेक्ट विल मूव एंड नॉर द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप बाय इट सेल्फ। अपने आप से नहीं कर सकता वो। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ रहे हो आप? अंडरस्टैंड बच्चे? ठीक है, जब मैं पूछूं तो हाथ खड़ा कर दिया करो, जस्ट रेज योर हैंड्स, मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आ गया या नहीं आया, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल सकें। वेरी गुड, 9 थे में से एक ही हैंड रेज हुआ है, दो सेक्शंस में से। ओके जी, वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ लॉ। ठीक है, इनर्शिया कोई लॉ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? नाउ हाउ दिस लॉ इज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही कहता है ना, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप से मूव नहीं कर सकता, द ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, एंड ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो ये दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हेयर, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सी, समझो अब इस चीज को। ऑब्जेक्ट विच आर एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स विच आर इन मोशन रिमेन इन मोशन। दोनों चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक उनके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा। आपके रूम में वॉल क्लॉक होती है, घर में भी है, या तो क्लासरूम में भी हो, आपके बोर्ड्स लगे हुए हैं वॉल के ऊपर, कितने कितने टाइम से वहीं पर हैं। तो जब तक उनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा वो वहीं पे हैंग करते रहेंगे चीजें। समझ आई मेरी बात? इज दैट क्लियर? चलिए, ये नोट कर रहे हो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट, अनबैलेंस्ड फोर्स वर्ड इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एजर्शन रीजन में इस अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड लिख देते हैं बस, एंड आप बड़े खुश हो जाओगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ट्रू ही होगा।
राइट बच्चे, सो माइंड इट, हियर इज अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है जी। सो कैन वी से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया आर रिलेटेड टू ईच अदर? कैन वी से? ओके जी। अच्छा, आप में से किस किस बच्चों ने कॉइन को ग्लास में डाला हुआ है, एक्टिविटी की हुई है, घर पे किया होगा कभी खेलते हुए, किस किस बच्चों ने कर रखी है? वाह, नाइन्थ बी में से तो बड़े हाथ हैंड्स रेज हो रहे हैं। ओके जी, मतलब मैक्सिमम बॉयज ही हैं करने वाले, गर्ल्स में से तो कम ही कर रखे हैं, है ना? किस किस ने देखी हुई है? अच्छा वो एक्टिव, जस्ट कीप योर हैंड्स डाउन बच्चा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, ये एक्टिविटी को सिर्फ फन के लिए किया जिन्होंने किया, या कुछ लर्निंग के लिए किया, कि हुआ क्या इसके अंदर, बताइए? फन के लिए किस किस ने किया, कि जस्ट फॉर फन? देख देख के हैंड्स रेज कर रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं हैंड्स रेज। और लर्निंग के लिए किस किस ने किया, कि कुछ लर्न करना है इस एक्टिविटी से? वेरी गुड, जस्ट टू हैंड्स फ्रॉम नाइन्थ बी, थ्री हैंड्स, नो वन फ्रॉम नाइन्थ ए, एक, जस्ट वन। ओके चलिए, अब जिन्होंने इसको समझ कर किया उसमें से मैम एक स्टूडेंट को प्लीज मेरे पास भेज दीजिए फ्रॉम नाइन्थ ए, जिसने हैंड रेज किया था, स्टूडेंट ने, आ जाओ बेटा। नाइन्थ बी की टर्न फिर लाते हैं। नाइन्थ ए में से किसी ने हैंड रेज किया था, किसी बॉय ने? वैसे ही रेज कर दिया था। ऐसे नहीं ना, हाँ जी, नाइन्थ बी में से कौन आएगा? एक, ये पीछे से बॉय, आप आ जाइए बेटा थर्ड डेस्क में सेंटर पे। हाँ जी बताइए जरा, क्या था उस एक्टिविटी में, हम करते क्यों हैं? In this activity, we know that if we take a glass, a piece of cardboard, and a coin, and coin kept on piece of cardboard, we apply force on the piece of a cardboard and not on the coin, so the piece of cardboard move, but the coin does not move. This proves the inertia and the first law of motion. How? This is proving the Newton's inertia and first law of motion, but how? Because the coin does not move, because we do not apply force on the coin, we apply force on the cardboard. Very good, शाबाश, very good, excellent. See, जिन्होंने नहीं देख रखा उनके लिए मैं एक्सपेरिमेंट करके बता रही हूँ, ठीक है? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कई बार कॉइन उछल भी जाता है इधर उधर, ठीक है, बट उसका भी रीजन अपना एक होगा। जस्ट ये आपको दिख रहे हैं, ये काफी डाउन है ना अभी, इसके नीचे तो मेरा कैमरा ही नहीं जा रहा है। जस्ट सी बेटा, ये तो हाथ में पकड़ के करना पड़ेगा, फिर मुझे लेटेस्ट सी। एक दो और रख लेते हैं, देखो अभी दिख रहे हैं ग्लास, नहीं दिख रहा? मुझे तो लग रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको अच्छे से, आई थिंक दिख रहा है ये तो ग्लास, देखो दिख रहा है ना? ये देखो, मैंने एक सीडी रखी हुई है, एम्प्टी ग्लास है, ये देखो पहले से खाली है ग्लास, है ना? और इसके ऊपर मैंने एक 5 रुपी का कॉइन रखा, ये देखो, ठीक है? आई फ्लिक दिस, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू प्रूव दैट आपका जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दैट वी आर गोइंग टू प्रूव, ठीक है? अब हमने देखो, राइट नाउ दीज ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, विल दे मूव, क्या ये मूव कर सकते हैं अपने आप? मेरे फोर्स अप्लाई किए बिना क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेंगे? नो, है ना? आई विल ट्राई टू मूव दिस डेस्क
सीडी जो है, आई विल अप्लाई द फोर्स ऑन दिस, तो जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उससे मोशन किस में आया, ओनली इन दिस पार्ट, नॉट इन द कॉइन। कॉइन में भी आ सकता है अगर मैंने स्लो पुश किया, अगर मैंने इसको बहुत फास्ट फ्लिक किया, देन द जो जो फोर्स है वो अभी कॉइन में शिफ्ट नहीं होगा। फोर्स भी नहीं कह सकते उसको, इनर्शिया बोलेंगे। अभी मैं लेटर ऑन आपको समझाती हूँ, वी विल सी। नहीं हुआ, मैंने स्लो मारा था, 1 मिनट रुको। अभी भी नहीं हो रहा। आप में से किस किस ने किया हुआ है? अब ये कॉइन गिर क्यों रहा है, कोई बताएगा इसका रीजन कि ये गया क्यों नहीं ग्लास में? हाँ बताइए जरा, दिस इज वन ऑफ द, अगेन ये गया क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैम क्योंकि इस पर भी फोर्स लग रहा है, आप स्लो फोर्स लगा रहे हो। हाँ, जो मैं फोर्स लगा रही हूँ ना, मीन टाइम में क्या हो रहा है, जो इनर्शिया, देखो फोर्स लगाने से, मेरे फोर्स लगाने से इस डिस्क के अंदर क्या आ गया, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मोशन, रेस्ट एंड डायरेक्शन। तो जो सीडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया उससे सीडी के अंदर एक इनर्शिया क्रिएट हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि मैंने स्लो हिट किया था, उस स्लो हिट करने के कारण वो इनर्शिया ऑफ मोशन कॉइन में भी शिफ्ट हो गया। आ रही है बात समझ? एकदम से नहीं जाता है, धीरे धीरे शिफ्ट होता है। तो स्लो हिट करने के कारण वो इनर्शिया ऑफ मोशन कॉइन में भी शिफ्ट हो गया, दैट इज वाई वो कॉइन अलॉन्ग विद द डिस्क आगे चला गया। ठीक है, आई नीड टू पुश इट हार्ड। अब हो नहीं रहे। नहीं हो रहा बेटा, मेरे से तो नहीं अभी हो पा रहा है ये, बट आप ट्राई करना, ये कॉइन आपका बीच में गिरना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल इसके कॉइन के बीच में गिरना चाहिए। ये देखो अभी हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हिट करना पड़ेगा। हार्ड हिट करा तो कॉइन कहाँ गया, ग्लास में। ये ग्लास में तभी गिरेगा जब हमने सीडी को तो मोशन दिया, इस कार्डबोर्ड को, जो भी आप पीस रखोगे, मैंने उस चीज को मोशन दिया, पर वो मोशन अभी मेरा कॉइन में शिफ्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो कॉइन कहाँ जाएगा, ग्लास के अंदर, समझ रहे हो? तो इनर्शिया, इतना समझ आया बेटा? सेट करना है तो ठीक है। तो इनर्शिया जो होता है बेटा, कितनी टाइप का होता है, बेसिकली 3 टाइप्स का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अभी जब इनिशियली वो सीडी और कॉइन दोनों किस केस में थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, जब मैंने उसको फ्लिक किया पहले, जब वो दोनों बीच, कॉइन बीच में नहीं गिरा, तब वो दोनों किस केस में आ गए थे, इनर्शिया ऑफ मोशन में। बट जब वो कॉइन ग्लास में चला गया, एक केस लास्ट में चला गया था, ठीक है, जब वो कॉइन में गया, ग्लास में गया, तब सिर्फ जो सीडी थी मेरी वो इनर्शिया ऑफ मोशन में थी, और जो कॉइन था वो मेरा अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में था। दो चीजें देखनी है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन क्या आते हैं कि जब आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, सडन ब्रेक्स अप्लाई होती हैं, तो आप कहाँ मूव करते हो, आगे की तरफ। सडनली स्टार्ट होती है तो यू जस्ट फॉल बैकवर्ड, दिस इज द सेम रीजन। ठीक है, व्हेन यू आर इन द कार, ठीक है, व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, जस्ट कार अभी चल नहीं रही है, यू बोथ आर एट रेस्ट, ठीक है, यू एंड कार बोथ आर एट रेस्ट। बट व्हेन कार सडनली स्टार्ट, तो कार किस में आ गई है, इनर्शिया ऑफ मोशन में, एंड यू आर इन स्टिल इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, यू आर इन स्टिल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दैट इज आई यू फॉल फॉरवर्ड, सॉरी स्टार्ट होगी तो बैकवर्ड, सॉरी।
ठीक है, यू सडनली फॉल बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड ही हो गया ना एक तरीके से। देखो ये कार, समझ लो सीढ़ी हमारी कार थी, वो आगे चली गई फोर्स लगने से, एंड कॉइन वही रह गया। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से आपके साथ भी होता है। ये पॉइंट समझ आया बेटा सबको? यहां पर किसी को कोई डाउट? आपके पास वर्कशीट्स नहीं है तो मुझे तो वर्कशीट्स करवानी थी थोड़ी सी आपको। एनी हाउ, यहां पे इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है? यस चलिए। इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन पे, कि जो लीव्स हैं वो ट्री से फॉल क्यों कर जाते हैं, है ना? क्वेश्चन आते हैं ना। और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि आप सडनली जब कार टर्न लेती है, कोई शार्प टर्न लेती है, तो आप साइडवेज क्यों फॉल कर जाते हो? और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो मैट है, जो भी कारपेट है, जब उसको बीट किया जाता है, डस्ट फॉल करती रहती है और कारपेट मूव करता रहता है, वो क्लीन कैसे होते हैं? आते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, जो सबका रीजन क्या है, या तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है कुछ, या इनर्शिया ऑफ मोशन में है कोई चीज, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में है। ये समझ आ गया बेटा सबको? इज दैट क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोमेंटम पर। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? हु विल टेल मी, हु विल टेल मी व्हाट इज मोमेंटम? जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज मोमेंटम? नो वन। मोमेंटम भी इनर्शिया की तरह ही है बेटा। इनर्शिया को आप टच नहीं कर सकते, है ना? सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। एक मिनट बेटा, नाइन्थ बी गर्ल, मैं आप पूछती हूँ बेटा आपसे, जस्ट अ मिनट। इनर्शिया क्या थी? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही मोमेंटम भी किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। आ जाइए बेटा, क्या बताना चाहते हो आप? आ जाओ। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड, मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी। मोमेंटम का सिंबल होता है पी, एंड इट इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज ओके, वेरी गुड। और कुछ बताना चाहते हो मोमेंटम के बारे में? मोमेंटम इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी स्पीड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन डायरेक्शन। मास पे भी तो डिपेंड करते हैं, मास लिखवाया तो है आपने मुझे, एम इंटू वी नहीं लिखवाया, तो मास को क्यों भूल गए? मास भी है, ठीक है। चलिए गो बैक टू योर सीट बेटा। चलिए ये तो ठीक है बेटा, दिस इज ओके विद योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मोमेंटम की डेफिनेशन आई, आपने ये लिख दिया, दैट एवरीथिंग इज ओके। आप मोमेंटम की यूनिट बना सकते हो। कौन बताएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? एक। नाइन्थ बी, नाइन्थ ए के बच्चे पढ़ते पढ़ते नहीं है, सिर्फ नाइन्थ बी की क्लास पढ़ती है। हाँ, नाइन्थ ए, नो वन इज रेजिंग द हैंड। खा पी कर नहीं आए हो आज? अब तो मुझे नाइन्थ ए में से ही आंसर चाहिए, अब मैं नाम लेने लगी हूँ नाइन्थ ए में से। सरनप्रीत कौर, चलो जी सबसे आगे बैठे हैं। चलिए बेटा बताइए जरा क्या यूनिट होगी इसकी? नहीं पता, बता रही हो मेरे को क्या? पता आवाज ना आ रही हो? चलिए कोई बात नहीं, बैठो। नाइन्थ बी, किस किसने चीटिंग कर ली इतनी देर में? पहले तो इतने हैंड्स रेज नहीं थे। कौन कौन चीटिंग वाला है कि पहले नहीं आती थी और अब पता है? चलो वेरी गुड, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं, है ना? चलिए कौन बताएगा लास्ट में से? नाइन्थ बी लास्ट स्टूडेंट, आ जाओ बेटा। जिसने हैंड सबसे पहले डाउन किया था, जहां पे दो बॉयज बैठे हैं, बॉयज में से बोला मैंने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ।
मैम एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए बेटा ये बनती कैसे है यूनिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको रट्टे नहीं मारने हैं, यू नीड नॉट टू बी क्रैम द यूनिट्स। ठीक है, देखो क्या है, आपको मास की यूनिट पता है क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, कौन बताएगा? मास की तो पता होगी, इट इज केजी इनटू वेलोसिटी की यूनिट, 8th चैप्टर में पूरा वेलोसिटी निकल गया, तो इट इज मीटर्स पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या है, केजी मीटर्स पर सेकेंड, दैट्स इट। फॉर्मूला तो पता ही है ना सबको, फॉर्मूले में उनकी जगह उनकी यूनिट्स लिख दो, तो आपके पास मोमेंटम की यूनिट आ गई। नेक्स्ट थिंग, आपके पास अभी हम सेकेंड लॉ करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलरेशन। कोई इसके यूनिट बनाकर बताएगा मुझे, व्हाट विल बी इट्स यूनिट? एक, 9th बी से, 9th ए वालों कुछ तो हैंड्स रेज करके बता दो। हां जी, गुरशरण सिंह फ्रॉम 9th ए, इस क्लास से तो मुझे खुद बुलाने पड़ेंगे। एब्सेंट, ओके। हरमन सिंह एब्सेंट, रविंदर क्वेश्चन सॉरी मैम, अगेन। आई विल रिपीट, आई एम सेइंग व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स, कैन यू मेक इट विद बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कैन यू टेल मी द यूनिट ऑफ फोर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? जैसे अभी हमने मोमेंटम की लिखी, यस मैम प्लीज 9th ए में से किसी को भेजिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे 9th ए में से आज। एनीवन बेटा, वेरी इजी, एटलीस्ट यू कैन ट्राई, जो आके बताएगा उसको भूलेगा भी नहीं बाद में, एटलीस्ट यू कैन ट्राई ना, अगर नहीं आती है तो। आओ जरा, आज तो आपकी क्लास ही आंसर देगी। चलो मैं तो नाम बोल रही हूँ, ठीक है, सागर शर्मा आ जाओ। हाँ जी, बताओगे जरा क्या यूनिट बनेगी? एम, मास, मास की यूनिट क्या होती है? थोड़ा जोर से बोलो, क्या हो जाता है आपके माइक को, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। केजी केजी, ठीक है, और एक्सलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आपकी फोर्स की यूनिट आ गई। बस ठीक है, एक यूनिट फोर्स की ये भी होती है और एक यूनिट फोर्स की न्यूटन भी होती है, ठीक है जी। चलिए चले जाइए बेटा, सीट पे जाइए आप। नाउ कैन यू से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर? आप बोल सकते हो? अब अगेन ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएंगी, केजी मीटर्स पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, केजी स्क्वेयर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। चलो बता सकते हो राइट ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। और क्या इसमें से कोई मोमेंटम की यूनिट है? इज देयर एनी यूनिट रिलेटेड टू मोमेंटम? यस, कौन सी है? फर्स्ट, ठीक है, ये मोमेंटम की मिल गई हमें और ये मुझे मिल गई फोर्स की। समझ आया बेटा? इज दिस क्लियर? काफी टॉपिक्स में आपको वो करवा रही हूँ जो आपके वर्कशीट में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपने वर्कशीट फटाफट से करनी है। अब चलिए बेटा हम आते हैं वापस मोमेंटम पर, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है, मोमेंटम की डेफिनेशन बताना नहीं, मोमेंटम होता क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
लेट अस से यू हैव टू बॉल्स और सेम साइज सेम मटेरियल, इकट्ठी आपने दो टेनिस बॉल लिए और सेम साइज होगा, सब कुछ सेम होगा। एक बॉल फास्ट मूव कर रही है एंड एक बॉल स्लो मूव कर रही है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोमेंट डिफरेंस इन मोमेंटम, कौन सी बॉल का मोमेंटम ज्यादा होगा एंड विच बॉल हैज लेस मोमेंटम? यस आई शो यू वन एक्टिविटी रिलेटेड टू मोमेंटम इन द नेक्स्ट क्लास। टुडे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला नहीं था तो मैं नहीं करवा पाऊंगी आपको, बट इन द नेक्स्ट सेशन जब भी हमारी क्लास होगी आई विल डेफिनेटली डू दिस एक्टिविटी, ताकि आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स हैं बेटा मोमेंटम के लिए, लिखिए जरा नोट देम। मोमेंटम का हेडिंग डाल लो, ये भी चीजें लिख लो पहले, मोमेंटम इज एम इन टू वी, उसकी यूनिट लिख लो एंड देन राइट डाउन द पॉइंट्स। लिखिए, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए। इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम मास मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज देन द ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट विथ हायर वेलोसिटी देन द ऑब्जेक्ट विथ हायर वेलोसिटी हैव मोर मोमेंटम हैव मोर मोमेंटम। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए। इफ द टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट मासेस मूविंग विथ सेम स्पीड मूविंग विथ सेम स्पीड देन द ऑब्जेक्ट विथ हायर मास देन द ऑब्जेक्ट विद हायर मास हैव मोर मोमेंटम हैव मोर मोमेंटम। थर्ड पॉइंट लिखिए। फ्रॉम द फॉर्मूला पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, वी कैन से दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कैन से दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो फाइनल मोमेंटम है तो बेटा वेलोसिटी को हम वी लिख देंगे, एंड इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी के लिए हम यू यूज कर लेंगे, है तो दोनों ही वेलोसिटीज ना। ठीक है बच्ची, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यू कैन टेक एम कॉमन, वी माइनस यू। राइट बच्चा, समझ आ गया ये। नेक्स्ट इसके आगे हेडिंग डालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब एक चीज ध्यान से देखिए, व्हेन एवर यू हैव रेट, जब भी कभी रेट लिखा मिला ना, आपके 9th-10th लेवल तक की बात कर रही हो, इट मीन्स जो चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू थी क्या था, एम इक्वल्स टू वी माइनस यू, उसको आपने टी से दैट इज टाइम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। ये समझ आया बेटा, ये सारा किया क्या है अभी मैंने, चेंज इन मोमेंटम फाइंड किया, चेंज किसी भी मोमेंटम में कैसे पता चलेगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी और उसकी इनिशियल कितनी थी। मास तो नहीं चेंज होगा ना, मैं पहले स्लो चल रही हूँ फिर मैं फास्ट चलने लग गई, मेरा मास तो पहले भी उतना था, स्लो चलने पर भी उतना ही था, फास्ट चलने से भी उतना ही था, मेरी बदली तो क्या चीज चेंज हुई, मेरी से वेलोसिटीज चेंज हुई। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया। तो वेलोसिटी चेंज यू कैन टेक एम कॉमन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। अभी यहां पर एक चीज और कर लेते हैं बेटा, साथ में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, देन वी विल लीव द क्लास। ठीक है, मे बी आई होप कि आपके पास नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट्स होंगी तो हम कंटिन्यू करेंगे आगे। नाउ अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है, द फोर्स, कौन सा फोर्स, बेसिकली अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स इज, ये सिंबल किसका होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज दिस सिंबल यूज्ड फॉर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, अगर इसके सामने कुछ लिखा जाता है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, अगर इसके आगे डिनोमिनेटर में कुछ लिखा जाता है तो इसी को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। समझ आया, सामने कुछ लिखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि अनबैलेंस, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, ये दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर आपको वो बड़ी वाली डेफिनेशन याद नहीं होती, रट्टा सा नहीं लगता, तो यू कैन राइट दिस वन, बट यहाँ पे सिंबल की जगह लाइन में क्या लिख लेना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द अनबैलेंस्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इजी हो जाएगी आपके लिए डेफिनेशन, काफी इजी हो जाएगी। नाउ फोर्स को वी कैन राइट एफ, एंड प्रोपोर्शनल की जगह प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अभी हमने निकाला, देखो मैंने तो फाइंड किया अभी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब एक चीज ध्यान से देखो, कैन इज, ये किस चीज का फॉर्मूला है आपके पास, v माइनस यू अपॉन टी इज फॉर व्हाट, एक्सलरेशन, शाबाश, सो ये हमारे पास a आ गया। नाउ कैन वी से इट, देखो जब भी हम कुछ सॉल्व करते हैं हमारा फाइनल आंसर इक्वल टू की फॉर्म में होता है, ना कि प्रोपोर्शनल की फॉर्म में, तो हम इस प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल टू लगा देंगे, प्रोपोर्शनल का बन जाएगा के एम इंटू ए। अब ये के क्या है,
कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है जी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके आगे लिखना है व्हेन मास इज 1 kg, एक्सलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, देन फोर्स इज 1 न्यूटन। ये कंडीशन है आपके पास। अब ये सारी वैल्यूज यहां डालो और के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। जब ये सारी वैल्यूज देखो, यहां 1 डलेगा, के भी, एम की वैल्यू भी 1, एक्सलरेशन की वैल्यू भी 1, तो के की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा आपको? देन एफ इक्वल्स एंड देन के की वैल्यू हमें मिली 1। तो के की वैल्यू अगर मैं 1 यहां पर डाल दूं तो क्या मिला? 1 इंटू एम ए, एंड फोर्स मुझे मिल गया एम इंटू ए। आया बेटा समझ? ये आपके नोटबुक में डेरिवेशन, बुक में डेरिवेशन है, रिजल्ट प्रूव करना। इज दैट क्लियर? किस किस को समझ आया ये कि किया क्या है, बताओ? जस्ट रेज योर हैंड्स जिस चीज को समझ आ गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो समझ आया ये क्या किया है सारा, या कोई और पार्ट है जो आप समझना चाह रहे हो दोबारा से? जस्ट रेज योर हैंड्स अगर किसी को समझ आ गई है ये कि किया क्या है हमने। दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एज इट इज आता है आपको करने के लिए, ठीक है? आई ट्राई टू सॉल्व इट इन अ सिंपल वे। आपको पहले चेंज इन मोमेंटम पे जाना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस एम यू। ये सब हो गया और फिर आपने आगे वैल्यूज डाल देनी है, ठीक है? दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी रिलेटेड टू मोमेंटम, सो दैट आपको मास और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि मोमेंटम में मास एंड वेलोसिटी का रोल क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए, ओके बच्चे, बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बच्चे, बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।